नमस्कार, स्वागत है आपका एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज में। पेश है बॉलीवुड की ताजी सुर्खियां। जिया खान सुसाइड केस बॉलीवुड को हिला देने वाले केसेस में एक था, जिसके बारे में हम सभी को पता है, और उस केस में नाम आया था सूरज पंचोली का, जिसके बाद से उन्हें देश से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, मगर अब पंचोली को काम के सिलसिले में विदेश जाने की परमिशन मिल चुकी है। प्रोड्यूसर चित्र वकील शर्मा काली पोस्टर के प्रोटेस्टर्स के समर्थन में सामने आई हैं। अकॉर्डिंग टू चित्र, एक डायरेक्टर को किसी भी पिक या पोस्टर को रिलीज करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। जॉन अब्राहम की आने वाली फिल्म तेहरान की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अपने ट्विटर पर जॉन ने खुद का पहला लुक रिवील किया, जिसको देख ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक एक्शन फिल्म हो सकती है। बात करें तेहरान की, तो ये ईरान की कैपिटल है, यानी कि ये एक अरबिक कंट्री है और इसी के अंदर पूरी कहानी होने वाली है। वरुण धवन, आलिया भट्ट और लेट एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया को आज 8 साल पूरे हो गए हैं। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए वरुण धवन ने अपनी स्टोरी पर मूवी के प्रमोशन के टाइम की एक तस्वीर डाली है। इतना ही नहीं, आज के सेलिब्रेशन के दिन कई लोगों ने सिद्धार्थ को याद किया। हाल ही में हुई द घोस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया द्वारा चॉइस ऑफ पार्ट्स की श्योरिटी पर सवाल किया गया, तब नागार्जुन ने बहुत ही समझदारी से उत्तर देते हुए ये कहा कि कभी किसी को नहीं पता चलता कि कौन सा किरदार पब्लिक को पसंद आएगा। अगर पता होता तो हम कोई भी फ्लॉप पिक्चर नहीं बनाते। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Follow our channel Absolute India News on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and website.